Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी मीडियम फिल्म के डे 5 के इंडिया के ओवरसीज के और वलवल के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप भी अगर इरफान खान सर और करीना कपूर के ट्रू फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अंग्रेजी फिल्म रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म के स्टारकास्ट में लीड रोल में इरफान खान सर, करीना कपूर, राधिका मंदाना और दीपक दोबड़िया जैसे बहुत ही बढ़िया स्टार देखने को मिले हैं। दोस्तों अंग्रेजी मीडियम फिल्म को डायरेक्ट किया है होमी अडजानिया ने और ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से और इस फिल्म को इंडिया में 2200 स्क्रीन में रिलीज़ किया है। पर दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से कई सारी जगह पर सिनेमाघर बंद होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिले हैं। हालांकि इस फिल्म का कॉन्टेंट बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 40 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 60 करोड़ का कलेक्शन करना है। इस फिल्म में इरफान खान सर की एक्शन की तारीफ की जा रही है और करीना कपूर की भी। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से 4 करोड़ 3 लाख, दूसरे दिन 3 करोड़, तीसरे दिन 3 करोड़ 30 लाख, चौथे दिन 2 करोड़ और आज इस फिल्म का डे 5 है। और दोस्तों आज के रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म आज के दिन 1 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन कर सकती है। इसी के साथ अंग्रेजी मीडियम फिल्म का डे 5 तक का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है दोस्तों 13 करोड़ 90 लाख, जो कि डिसेंट है। और इस फिल्म का 5 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन होता है 16 करोड़। और दोस्तों अंग्रेजी मीडियम फिल्म ने 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन किया है 19 करोड़, जो कि डिसेंट कहा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म देखी तो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।